हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। अभी नहा के आई हूँ, बाल भी गए हैं। अभी आज है रक्षाबंधन, तो सब ब्रदर्स को, सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज हम जाने वाले हैं एक गृह प्रवेश में, तो उसके लिए मुझे पैकिंग करना है और उसके बाद रिहान को रक्षाबंधन के लिए जाना है, तो इसके लिए मैं एक गिफ्ट लेके आई हूँ, ये भी पैक कर देती हूँ। तो अभी आफ्टरनून है, आफ्टरनून का वहीं पर लंच होगा हमारा, जहाँ पे हम गृह प्रवेश किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गिफ्ट पैक कर लेती हूँ। तो अभी हो गया एक, ये रहा, ये रक्षाबंधन के लिए रहना जो जाएगा, और ये है जो अभी जा रहे हैं गृह प्रवेश के लिए। तो चलो चलते हैं, रेडी नहीं किया है मैंने। हम लोग अभी आ गए हैं गृह प्रवेश, जहाँ पे हो रहा है मेरा, हम लोग का दोस्त का निवास था। तो अभी मैं फ्रूट्स भी काट रही हूँ, उस तरफ हो रहा है जहाँ का प्रिपरेशन, पंडित जी का प्रिपरेशन। अभी ऐसे ही रखने दीजिए, प्रसाद तो कट, पूजा के बाद कटेगा, पूजा के बाद कटेगा, ठीक है। मैं भोग लगने के बाद फिर तो अभी मैं आ गई हूँ वहाँ से गृह प्रवेश है। तो अभी मैं बनाऊँगी वेज पुलाव। तो यहाँ पे वेज पुलाव के लिए तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये लौंग, वो सब लिया है, जो खड़ा मसाला है ना वो सब लिया है। इसके बाद यहाँ पे है बीन्स, कैरेट, एंड यहाँ पे है फ्रोजन पीस। यहाँ पे मैंने 2 कप फ्रोजन पीस लिया है, और ये है राइस। तो यहाँ पे मैंने 4 कप राइस लिया है बासमती राइस, इसको मैंने सोक के रखी थी, अभी हो गया है 20 मिनट ऑलमोस्ट। तो अभी इसको मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। मैं बनाऊँगी पूरी एंड वेज पुलाव, और जो मेरे दोस्त ने वो लेके आएगी पनीर की सब्जी, स्वीट एंड पता नहीं क्या है, और दिखेंगे विराट को जब। चलो स्टार्ट करते हैं। किचन जो है ना हमारा बहुत ही छोटा है, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून अभी डालूंगी राइस। मुझे लग रहा है ना चावल का जो राइस का जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, कोई नहीं, ये सब्जी की सारी पकाएंगे ना, तो लेकिन लग रहा है राइस बहुत ज़्यादा है। मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितने बनाए तो कितने लोग खा सकते हैं, तो बना लिया जो भी खा सकते, बाद में नहीं होने से तो बेहतर है कि थोड़ा बच जाए तो खा सकते हैं, अगर नहीं हो तो मतलब इमिडिएटली नहीं बना सकते ना, अगर बच गया तो कल खा सकते हैं। फ्राई करूँगी, मतलब हल्का से फ्राई करना है,
ताकि चावल ना टूटे, क्योंकि ये मैंने चावल को लाइक 20 मिनट के लिए सोक करके रखी थी, तो ये नरम हो गया है ना, तो इसीलिए हल्का हल्का सा, इतना भी नहीं करना है, इसको फ्राई करना है। उसके बाद एक सीटी लगाऊंगी, उसके बाद हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये रहा मेरा वेज पुलाव, बहुत सही हो रहा है, ये देखो खिला हुआ। तो इसको मैं ना सर्व कर देती हूँ। खुशी हाय मिस्टी, हाय दादा घुमाओ घुमाओ हाथ घुमाओ गोलू हाथ घुमाओ गिफ्ट फिर मिस्त्री देखियो घर वापस आ गए और यहाँ तो गिफ्ट भी मिला है, खीर और चॉकलेट और क्या है मेरे को नहीं पता, दे दो की दे दो मैं खोल लेता हूँ। क्या है वो फ्रूट का नाम पता नहीं, तो रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट दिया है और जो ये फ्रूट है ना, फ्रीजर भी नहीं मिला सामने से, तो हम तो वही बनने को करेंगे। एक बार दोनों इधर देख लीजिए, तीन बार मार दीजिएगा ताकि एक साल का, हम एक साल कोशिश करते हैं क्या रखने का, धारणा पूरा एकदम ये हो जाता तब जाए ना, मैं लाइए वो नहीं आएगा। अरे वाह, तो मिठाई गर्म वाला एकदम, तो होम मेड जबरदस्त। जिंदगी में पहली बार मिला है किसी से रक्षाबंधन का गिफ्ट, सच में ये पहला जो है कम समय का ये आशीर्वाद है, बाद बाकी नेक्स्ट ईयर बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे तरफ से, हम लोग तो पक्का हुआ नेक्स्ट ईयर से हम लोग पूरे से ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे, घर जाके खोलोगी तुमको देना है ना उसको, अरे नहीं 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 चाहिए, चॉकलेट दिया ना गिफ्ट में, अच्छा ऐसा, ओके व्हाट इज दैट रिहान, ओपन एंड सी, मिमी यू ओपन दैट वन, आई वांट टू सी योर सरप्राइज, हम धोएंगे ने खोलो ना, क्या है उसमें खोलो, अगर तेरे का पीछे से जाएंगे ना पीछे से तेरी शॉट कर, क्रिश्चियन कर रहा है उसको ना, व्हाट इज रिटन ऑन दैट, बेस्ट ब्रो फॉरएवर, ओहो तो
ठुकाएगा ना बना के शाम से रखा हुआ है, ऋषि ने ऑलरेडी खा लिया, उसमें बांध दो ना ये। पीकॉक, वाओ, शो मी योर राखी, शी सो प्रिटी, यू हैव अ पीकॉक वन। इसे नंगी एंगे रियान तुम्हारा, और यहाँ ने सो मेनी सिस्टर्स। हाँ रियान, संकिता मैडम का स्पेशल स्वीट संबिका खा रही है, इधर पनीर भी है, पुलाव है, पूरी है, भैया लोग उधर खा रहे हैं। संकिता ने इतना ज्यादा बना लिया है खाना, सॉरी। पनीर देखो अभी भी मैं निकाल के रख, क्या हुआ? अरे जल्दी जल्दी में एक पैकेट पनीर लाया हुआ था और थोड़ा सा यूज किया तो सैटरडे को, बाकी ना डिफरेंस में मैं डिफरेंस में रख देती हूँ, पावर बार कट हो तो खराब होने का होता है ना, रख दिया तो मैंने अभी 200 ग्राम लिया तो हो जाएगा, अभी नहीं है। ये है रक्षाबंधन का गिफ्ट, ये मेरा है, रिहान का है, ये भी मेरा है, ये रिहान का है, इसके इसका पैकेजिंग देखो इतना सही है, और अंदर रिहान का है। यहाँ पे ना मेरे पड़ोस में एक बर्थडे है, वहाँ पे वहाँ पे तो अभी आ गए वापस, रेहान को ये मिला है रिटर्न गिफ्ट में, खोलो। क्या आया? ड्राई फ्रूट्स रखने का, वो बस ही बोला अरब क्योंकि इसमें लिखा है ड्राई फ्रूट्स। अच्छा आ गए वापस हम बर्थडे से, अभी रिहान का चल रहा है स्टडी। चलो ठीक है ना, यही पे एंड करते हैं अपना वीडियो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलो बाय।